अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख इकराम और आप देख रहे हैं एसके टेक यूट्यूब चैनल। एसके टेक में आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस में जो कलर रिंग है, इसके ज़रिए से कैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम किया जाता है। अब देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस में कुछ कलर रिंग्स हैं, इसी के ज़रिए से इसका वैल्यू पता किया जाता है। सबसे पहले तो हमें इस रेजिस्टेंस का जो कलर टेबल है इसे याद करना पड़ेगा। ये कलर टेबल आप ऑनलाइन कहीं भी सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कलर कोड टाइप कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन एंड सिल्वर। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, ये थर्ड है, ये मल्टीप्लायर डिजिट है और ये फोर्थ है टॉलरेंस। अब आप यहाँ देखेंगे ये हमारा रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, ये जो थर्ड डिजिट है ये मल्टीप्लायर डिजिट है और ये है टॉलरेंस। सबसे पहले हमें देखना है कि हम रेजिस्टेंस को कहाँ से, इसका पहला हिस्सा कहाँ से पकड़ेंगे। ये आप देख रहे हैं ये गैप सब सिमिलर है, लेकिन ये जो टॉलरेंस का गैप है ये कुछ ज़्यादा है। तो यानी कि हमको अपने लेफ्ट साइड से इसको शुरू करना है। मान लीजिए, जी हाँ, अच्छा हाँ, एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट जो है, एज इट इज़ जो नंबर है आपका वो नंबर बैठेगा, और थर्ड डिजिट जो है मल्टीप्लाई डिजिट वो जो रहेगा उसका इक्वल ज़ीरो बैठ जाएगा। चलिए मान लीजिए कि फर्स्ट डिजिट जो है हमारा रेड है और सेकंड डिजिट भी अगर रेड है और ये थर्ड डिजिट ये भी अगर रेड हुआ, तो फर्स्ट डिजिट जो है आप देख रहे हैं रेड यानी कि दो, सेकंड डिजिट भी हमारा हो जाएगा दो, और थर्ड डिजिट जो कि दो है लेकिन ये इसका इक्वल दो ज़ीरो होगा, यानी कि ये हो गया हमारा बाईस सौ ओम्स। ओके, ये हमारा टॉलरेंस है। टॉलरेंस यानी कि गोल्डन या सिल्वर, अगर गोल्डन हुआ तो ये होगा प्लस माइनस फाइव परसेंट, और अगर सिल्वर हुआ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 10%। टॉलरेंस यानी कि ये जो रेजिस्टेंस बनता है तो ये पूरा एक्यूरेट जो वैल्यू है इसका वो नहीं होता है। अगर सिल्वर हुआ तो यानी कि 10% माइनस प्लस कम ओबेश हो सकता है, अगर गोल्डन है तो 5% कम ओबेश ये हो सकता है। इसके जगह में अगर सेम वैल्यू आपको नहीं मिलता है तो आप माइनस प्लस 5% कम या ज़्यादा और माइनस प्लस 10% कम या ज़्यादा इसका जगह में आप यूज़ कर सकते हैं। ये कलर कोड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसका शॉर्ट फॉर्म है बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन
वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय यानी कि ब्लैक ब्राउन रॉय यानी कि आर वाई रॉय, रेड ऑरेंज येलो, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि जी फॉर ग्रेट ग्रीन, ब्रिटेन बी फॉर ब्लू, वेरी गुड वी फॉर वायलेट, गुड फॉर ग्रे वाइफ, डब्लू फॉर वाइफ यानी कि वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, सेम अगर सपोज मान लीजिए अगर हमारा फर्स्ट बैंड में अगर रेड होता यानी कि दो, और सेकेंड बैंड अगर ब्राउन होता यानी कि वन, और थर्ड बैंड अगर ऑरेंज होता यानी कि ऑरेंज जो कि तीन है तो उसका इक्वल तीन जीरो देंगे हम, यानी कि ये हो गया आपका 21,000 ओम्स। और इसको अगर थाउजेंड से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 किलो ओम्स। तो दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश की आप लोगों को समझाने का, तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह समझ आया होगा। बस आज तक के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।